आपको बता दें कि यह खबर 5 बजे से पहले की है। पुनहाना से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को पूरी ताकत झोंक दी। बाईसी के सबसे बड़े गांव तेड़ में रैली कर मोहम्मद इलियास ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किए तो अपनी पिछली गलतियों के लिए जनता से माफी मांगी। मोहम्मद इलियास को सिर आंखों पर बिठाने के लिए तिड़गांव के लोगों ने जो सम्मान किया वह देखने लायक था। कहीं घोड़ियों पर अलग अलग तरह से नृत्य कर रही थी तो कहीं आतिशबाजी लगाकर लोगों का दिल जीत रही थी। पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि निवर्तमान विधायक रईसा खान ने न केवल दूसरों के साथ बुरा किया बल्कि जो अपने निजी लोग थे उनके साथ भी उन्होंने धोखा किया। मुकदमेबाजी की तथा कमीशन खोरी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वक्त आ गया है ऐसे लोगों को चलता करना है और कांग्रेस के लिए वोट करना है। कार्यकर्ता अब अपने गांव में जाकर बूथ जीतने का काम करें। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पर मजबूत होगा तो उनकी जीत निश्चित है। मोहम्मद इलियास ने कहा कि उन्हें सिर्फ वाईसी के गांव ही नहीं समर्थन प्राप्त मिल रहा बल्कि बीसरू और जमालगढ़, लोहिंगा कला, सिंगार, नई जैसे बड़े गांव में भी पूरा प्यार मिल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने अपने हरियाणा का विकास कराया था उसी तरह अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इस इलाके का विकास होगा। सूबे के मुख्यमंत्री को मैं अपने हलके में लेकर आऊंगा और यहाँ की समस्याओं का समाधान यहीं बैठकर कराया जाएगा। पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने कहा कि जो भाई किसी वजह से रूठे हुए हैं उनको जाकर मना हो, रूठे भाइयों को मनाना कोई गलत बात नहीं है। मुझसे भी मेरे सगे भाई कुछ समय तक रूठे हुए थे लेकिन अब मैंने उनको मना लिया है। जब परिवार एकजुट होता है तो नतीजे अक्सर अच्छे आते हैं। शनिवार को तेड़गांव में हुए जन समर्थन समारोह में तेड़गांव की चौधर ने कांग्रेस उम्मीदवार को लाखों रुपए की नकदी के अलावा महिलाओं के लिए जेवरात व चांदी के सिक्के भेंट किए। इसके बाद पूर्व मंत्री ने पिनगवा कस्बे में डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से कांग्रेस पक्ष में वोट करने की अपील की। पूर्व मंत्री ने कहा कि पिनगवा कस्बे ने हमेशा उनका दिल से सहयोग किया है, इस बार भी जनता का भरपूर प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। विरोधियों में इस जनता के प्यार को देखकर खलबली मची हुई है। निवर्तमान विधायक रईसा खान मुकाबले में नहीं बल्कि तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। क्या मुकाबला किससे कैंडिडेट से मुकाबला? अरे मुकाबले तो अब काईसा की पूछने जा रहे हो ना, रईसा तो चौथे नंबर पे याद रहा। आप देख रहे हैं आज आखिरी दिन है प्रचार का। इससे पहले भी आप प्रचार में हमारे प्रचार में आप शामिल होते रहे हैं और जिस गांव में आज आखिरी प्रचार हुआ है ये हमारा बड़ा गांव है। यह मेरे से पहले रूठ गया था, कमी मेरी थी, मेरे से मैंने इनको मनाया नहीं। आप देख रहे हैं इतनी भारी तादाद में इलेक्शन में इतनी जनसभा, बड़ी सभी जनसभा शायद आपने नहीं देखी होगी। तो जहां आज सारे तेड़ मन गया है, राजी हो गया है और पूरा इलाका भी आपके सामने, सारे हलके के वर्कर आपके सामने हैं, सभी हलका भरपूर मुझे जो समर्थन दे रहा है, मुझे यकीन है मैं 24 तारीख को लोगों ने, हलका पुराने के लोगों ने अपना मन बना लिया है और मुझे असेंबली भेजने के लिए इन्होंने अपना पूरा मन बना लिया। और जब ये मुझे असेंबली में भेज देंगे मुझे तो पूरे हम कांग्रेस पार्टी भी, हम भी पूरे अस्वस्थ हैं कि हमारी सरकार बनेगी और किसी कारण नहीं भी बन पाई उस वक्त भी हम इलाके की सेवा करेंगे, बनने के बाद कोई परेशानी नहीं है। तो मैं पूरे हलके से अपील करता हूँ, पूरे हलके के लोगों से 30 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाएं
और कांग्रेस के मेरे जैसे ना कैसे प्रत्याशी कामयाब बनाए, मैं सबका आभार। मुझे तो 22 ने जो समर्थन दिया वो तो आपने देख लिया, नौगैया ने भी 5 गांव ने मुझे इकट्ठे समर्थन दियो, मतलब पूरे हलके से बेतहाशा समर्थन मिल रहा है। किस तरह का वायदा जनता से कर रहे हैं और पहली कलम जीतने के बाद चलेगी? चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, सभी समस्याओं को हम हल कराएंगे।